हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड्स ओफन कन्फ्यूज्ड और मिसयूज्ड। ऐसे वर्ड्स जो हम प्राय क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं जिनको यूज़ करने में, या उनका मिसयूज कर देते हैं, ठीक है ना। मिसयूज और कन्फ्यूज्ड वर्ड हम करेंगे, कैसे कैसे हम हिंदी में अर्थ समझेंगे, इंग्लिश में अर्थ समझेंगे, ठीक है। तो आज देखें, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। जब ए डबल सी आ जाता है तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, टू रिसीव अ थिंग। लेकिन एक्सेप्ट ये है एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है के अलावा, यानी लिविंग अपार्ट, यानी इसके अलावा ये चीज़ भी है मेरे पास। वो ये है एस्पेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होप, आशा करना, ठीक है ना, उम्मीद रखना। और सस्पेक्ट होती है आशंका करना, टू एप्रीहेंड, है ना, आशंका करना। आशंका होती है सस्पेंड, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट। और एस्पेक्ट क्या होती है, उम्मीद करना। ऐसे ही अडोप्ट, अडोप्ट ओ लग जाता है तो गोद लेना, ओ मतलब गोद लेना, गोद में भी ओ है, ठीक है ना, अपनाना किसी चीज़ को। टू एक्सेप्ट यानी टू टेक अनदर पर्सन्स इलिजिबली चाइल्ड, किसी का बच्चा गोद लेना, ठीक है ना। लीगली, लीगली यानी कानूनी रूप से हम किसी बच्चे को, किसी दूसरे के पर्सन को अडोप्ट, दूसरे पर्सन के बच्चे को गोद लेते हैं, अडोप्ट करते हैं। और अडेप्ट ई, जिसमें ई आ जाए तो उसमें ई मतलब निपुण होना, यानी प्रोफिशिएंट। और अडेप्ट ए, ए आ जाए मतलब ढालना, देखो यहाँ आ की मात्रा है तो ढालना, ढालना मतलब टू चेंज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली चेंज करना। अब देखो एल्यूड और इल्यूड, एल्यूड होता है उल्लेख करना, रेफर टू, ठीक है, और इल्यूड होता है बचना, बचना यानी टू एस्केप, एस्केप होता है बच के निकलना। अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट होता है एक छोड़कर एक, ठीक है ना, वन आफ्टर अनदर। और अल्टरनेटिव होता है विकल्प, यानी जो सब्स्टिट्यूट होता है, यानी मैंने चाय नहीं मिली तो मैंने कॉफ़ी पी ली, ठीक है ना, वो अल्टरनेटिव हो गया। एल्योर, यह ओरल, ये है ओरल, ओरल होता है ए यू लग जाए तो होता है ऑफ ईयर, कान से संबंधित। और ओ, ओ मतलब मुँह, मो, मो, मौखिक, वर्बल यानी मौखिक, कोई काम जो मुख से हो, है ना, बोल के। एक्सेस, एक्सेस होती है पहुंच यानी अप्रोच। और एक्सेस, ई एक्स आ जाए तो प्रचुर मात्रा में, यानी मोर देन ड्यू, एक्सेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एडवर्स, एडवर्स क्या होती है, नापसंद करना, टू डिसलाइक। और एडवर्स देखो, अवर्स और एडवर्स, अवर्स होता है नापसंद करना, लेकिन ए डी लग जाए बीच में, ए डी ए लग जाए तो अवर्स, वर्स वैसे तो पोइट्री को भी बोलते हैं, लेकिन वर्स, अवर्स नापसंद करना, टू डिसलाइक। और एडवर्स होता है विपरीत, टू अनफेवरेबल। देखो इसमें ये नाउन का और प्रोनाउन का फर्क होता है, सी आ जाए तो सलाह, ठीक है, और एस आ जाए तो ये वर्ब हो जाती है, यानी क्रिया, सलाह देना, ठीक है ना। अब आगे अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट होता है असर करना, टू इन्फ्लुएंस, है ना। और इफेक्ट, इफेक्ट नाउन हो गई यानी परिणाम, इफेक्ट मतलब रिजल्ट। अपोजिट और ओपोजिट, ओपोजिट होता है विपरीत, ठीक है ना, इसके अपोजिट वर्ड करो, यानी ऊपर नीचे हम करते हैं ना अपोजिट वर्ड। और अपोजिट होता है उपयुक्त, प्रॉपर। देखो स्पेलिंग सेम है, सिर्फ ओ लग गया तो अपोजिट यानी ऊपर नीचे, उल्टा शब्द। और एपो, ए लग गया, ए लग गया तो प्रॉपर। अमेंड, अमेंड होता है संशोधन करना, कितने अमेंडमेंट हुए संविधान में हम पढ़ते हैं ना, अमेंड होता है संशोधन करना, टू इम्प्रूव यानी सुधारना। और इमेंड, ई लग गया तो अशुद्धियाँ निकाल देना, यानी टू रिमूव द मिस्टेक, मिस्टेक को दूर करना। अमोरल और इमोरल, देखो अमोरल होता है निनैतिक, हैविंग नो मोरल वैल्यू, जिसमें कोई मोरल सेंस ना हो। और इमोरल होता है अनैतिक, जैसे नॉट कन्फर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, जो मोरल स्टैंडर्ड को ही कन्फर्म ना कर रहा हो, ठीक है, मोरल स्टैंडर्ड ही ना हो जिसमें। देखो एंटीस और एंटीक्वी, एंटाइस होता है हंसाने के लिए की गई हरकत, कोई ट्रिक्स करते हैं हम किसी को हंसाने के लिए, एंटाइस। और एंटीक्वी प्राचीन वस्तुओं की, प्राचीन कला की वस्तुएं, जैसे एंशियंट पीस ऑफ आर्ट। अप्राइज, अप्राइज, अप्राइज होता है मूल्यांकन करना, जब जैसे रेज और राइज में फ़र्क होता है ना, ये रेज हो गया और ये इसमें राइज लाना है, ए डबल पी तो दोनों में आएगा, ठीक है ना, ए डबल पी। तो अप्राइज और अप्रेज, अप्रेज होता है मूल्यांकन करना, एसेस द क्वालिटी यानी वैल्यू करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, मूल्यांकना, ठीक है ना, अप्रेज। और अप्राइज होता है सूचित करना यानी इन्फॉर्म करना, अराइज मतलब, अप्राइज मतलब सूचित करना। एल्यूजन और इल्यूजन, देखो एल्यूजन होता है संदर्भ में, अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई ना दे, इनडायरेक्ट रेफरेंस देना। और इल्यूजन होता है भ्रम, डिसेप्शन यानी किसी चीज़ को, तुझे क्या भ्रम हुआ है, ये ऐसा नहीं है, यानी भ्रम होना। और एल्यूजन होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। बिसाइड और एस लग गया बिसाइड्स,
बिसाइड होता है के बगल में, यानी नियर, बाय द साइड ऑफ, ठीक है ना। जैसे ये मैं बैठी हूँ, ये बिसाइड ये मेरा बेटा बैठा है, ठीक है ना। और बिसाइड्स मतलब के अलावा, यानी मेरे बेटे के अनुसार अतिरिक्त, मेरे पास बेटी भी बैठी है तो मैं कहूँगी बिसाइड्स माई सन माई डॉटर इज ऑल्सो सिटिंग बिसाइड में, ठीक है ना। यहाँ बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। और अब यहाँ पे ब्राइडल और ब्रिडल और ब्राइडल, ब्रिडल होता है लगाम, ठीक है ना। देखो जैसे प्रिंसिपल में हमने किया था ना PAL और PLE, है ना, ऐसे ही लास्ट में DAL DLE ऐसे ही है। इसमें BRI तो दोनों के आगे हैं। अब DLI है तो लगाम, लय लगाम, ठीक है ना। और AL लग गया दाल, दाल कौन बनाएगी, जब दुल्हन बन जाएगी ना, तो ब्राइडल मतलब दूल्हा या दुल्हन से संबंधित, ठीक है ना। ब्राइडल ज्वेलरी तो दाल से याद रख लेंगे, दाल कौन बनाएगा, दूल्हा या दुल्हन, और शादी में बनेगी। और DLE डल मतलब लगाम, हॉर्स को बांधने के लिए वो लगाते हैं। एक बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल होता है लाभदायक यूजफुल, और बेनिफिशियरी होती है लाभान्वित व्यक्ति, वन हु रिसीव बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स को रिसीव करें। अब देखो बोर और बोर, ठीक है ना, ये बोर होता है सुअर, पिग, ठीक है ना, पिग को बोर भी बोलते हैं, सुअर। ऐसे ही ये BORE, ये है बर्दाश्त करना या पैदा होना, बियर की सेकंड फॉर्म है ये बोर, ठीक है ना। तो बोर यानी बर्दाश्त करना या पैदा होना, क्योंकि दोनों की सेम है, बियर बोर बोर्न, है ना। टोलरेट और बियर की ये सेकंड फॉर्म होती है, बियर मतलब सहन करना, और बियर मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, बियर मतलब पैदा करना भी होता है, ठीक है ना। और ये लास्ट में थर्ड फॉर्म में, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो वर्ब की फॉर्म में हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ब्रिंग, देखो बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट, बाय मतलब खरीदना, BUY, बाय होता है खरीदना, और ब्रिंग होता है लाना, ठीक है ना। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट मतलब लाया, और बोट है खरीदना यानी खरीदा, ठीक है। कैच होता है पकड़ना, कोई मूविंग चीज़ है, यानी बॉल फेंक दी, यहाँ पे बॉल ये घूमती हुई आ रही है तो ये कैच है। और होल्ड यानी पहले से, जैसे ये पिलर है मैंने इसको पकड़ लिया तो ये होल्ड है, होल्ड मतलब थामना, जो पहले से ही स्थित चीज़ है। अब देखो चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो। चाइल्डिश होता है बेवकूफ़ी भरा, यानी मैं बड़ी हूँ लेकिन मैं बचकानी हरकत करूँगी तो मैं फुलिश लगूँगी ना, यानी बेवकूफ़ी भरा, या चाइल्डिश एक्टिविटी कर रही हूँ मैं, बचकानी हरकतें कर रही हूँ। लेकिन चाइल्ड लाइक होता है मासूम, बिल्कुल इनोसेंट, यानी अनभोले में जो मासूम बच्चे करते हैं वो होते हैं चाइल्ड लाइक। तो चाइल्डिश में और चाइल्ड लाइक में डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉन्टीन्यूअल और कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस होता है लगातार, विदाउट ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। और कॉन्टीन्यूअल होता है नियमित, नियमित मतलब हैपनिंग रिपीटेडली, कॉन्टीन्यूअल मतलब बार बार हो रहा है। अब क्रेडिबल और क्रेडिबल, तो जब BLE है क्रेडिटेबल और क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय यानी बिलीवेबल, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल यह है क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, और क्रेडिबल मतलब सम्मानीय, ऑनरेबल यानी प्रेजवर्दी बोल सकते हैं। सेंसर, सेंसर मतलब निंदा करना, टू क्रिटिसाइज। और सेंश्योर होता है प्रतिबंधित करना, यानी ऑफिशियल लाइसेंस ऑफ अ फर्म। अब कैनन और कैनन, देखो ये कैनन डबल एन लगी तो तोप, ठीक है, तोप, जैसे उसने तोप यूज की, गोला फेंक दिया यहाँ पे, है ना, तोप में से। तो पावरफुल गन, फिक्स्ड टू अ व्हील यानी पहियों पे होती है जो। और कैनन होता है नियम, रूल, रूल बोलते हैं कि कैनन के खिलाफ है मेरे। आगे देख लेते हैं कन्वेस और कन्वास। कन्वेस होता है मोटा कपड़ा, ठीक है ना, और डबल एस लग जाए तो इसका मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना, ठीक है ना। ये कहते हैं ना कन्वेंसिंग करने जा रहे हैं, कन्वेंसिंग आता है घूम घूम कर वोट मांगना, विजिट हाउस टू पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए आजकल टीचर भी जाते हैं ना कन्वेंसिंग करने, तो कन्वेंस से ही बनाए वो घूम कर मांगे। और कन्वास होता है मोटा कपड़ा यानी कोर्स क्लोथ, जैसे टेंट वगैरह बनाने के लिए मोटा कपड़ा चाहिए वो। और ये है सीमेंट्री और ये है सीमेंट्री। देखो सी लग गया तो कब्र ग्रह, कब्र ग्रह यानी ब्यूरियल प्लेस, जहाँ पर दफनाया जाता है बॉडी को, डेड बॉडी को। और सीमेंट्री होता है एक जैसा हारमनी। अब कैजुअल, कैजुअल क्या होता है, उदासीन। और ये कैजुअल देखो CASUAL, एक है CAUSAL, ठीक है ना, यहाँ पे US है, यहाँ SU है। जब SU हो जाए तो सू मतलब उदास होना, ठीक है ना, नोट फॉर्मल, नोट टेकिंग मच इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेना। और अस हो जाए तो कारक संबंधी यानी रिलेटिंग टू क्लोज, अस मतलब कारण संबंधी। और आगे देखो सीमेंट, क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक उत्कर्ष संबंधी, रिलेटेड टू क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है लास्ट में जो कहानी हो जाती है ना, जब क्लाइमैक्स आ गया भाई मतलब अब तो स्टोरी खत्म होने वाली है। और क्लाइमेटिक होती है जलवायु संबंधी यानी रिलेटेड टू क्लाइमेट। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। थैंक यू।